तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं गोविंदा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बस स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही गुरु जी ने किया था एक Redmi Note 7 का रिव्यू और अनबॉक्सिंग, और उस रिव्यू और अनबॉक्सिंग में लास्ट में किए थे एक बेंड टेस्ट, जिस बेंड टेस्ट में उस मोबाइल मतलब बेंड टेस्ट करते मोबाइल गया था टूट। और यही टॉपिक को भी लेकर यूट्यूब पे मचे हुए धमाल, क्योंकि आखिर गुरु जी ने उस मोबाइल को क्यों तोड़ा, क्यों किया बेंड टेस्ट। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक, और नया आया हमारे यूट्यूब चैनल पर तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, हाँ, तो फ्रेंड्स टॉपिक ये बना हुआ है कि आखिर गुरु जी ने उस मतलब क्या बोलते हैं फोन को तोड़ा, क्यों बेंड टेस्ट क्यों किया। तो मेरा ओपिनियन है फ्रेंड्स की जो भी गुरु जी ने किया वो सही किया। अगर क्यों ये सही, मुझे क्यों सही लग रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों सही लग रहा है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पहले टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे जो आता है ऊपर एड आता है उसमें भी देखा होगा, क्योंकि जो Redmi Note 7 का जो एडवर्टाइजमेंट था, यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो प्रचार था, जो उस प्रचार में एडवर्टाइजमेंट में Redmi Note 7 ने एक 70 किलो का आदमी को उस फोन पे स्केटिंग कराया था, यानी कि आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, एक 70 किलो का आदमी उस फोन पे स्केटिंग कर रहा है तो क्या वो फोन नहीं टूट सकता, लेकिन अगर एक आदमी उसको बेंड टेस्ट करता है तो फोन टूट जाता है। ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि आखिर क्यों, यानी कि या तो Redmi Note 7 जो एडवर्टाइजमेंट करा रहा है उसमें वो फेक एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, ठीक। आखिर गुरु जी, मैं तो कोई गलती नहीं मानता गुरु जी को, ठीक, मैं तो सारे गलती करता हूँ Redmi Note 7 का, क्योंकि कि अगर एक आदमी 70 किलो का आदमी उस पर स्केटिंग कर सकता है तो बेंड टेस्ट में क्यों टूट सकता है। ये तो पहला पॉइंट था। और जो दूसरी पॉइंट थे वो भी आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसके मतलब एडवर्टाइजमेंट जो फोन है उस फोन से अखरोट को तोड़ा जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि वो फोन कितना मजबूत है, लेकिन बेंड टेस्ट में टूट गया। अगर वो फोन से अखरोट टूट जा सकता है तो सोचिए कितना मजबूत होगा। इससे कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एक अखरोट आपको तोड़ना हो तो आप लोगों का दांत से जल्दी नहीं टूटता, जो हम लोग का टीथ है इससे जल्दी वो अखरोट नहीं टूटता है, लेकिन वो फोन से टूट जाता है, लेकिन वो फोन बेंड टेस्ट करने में टूट जाता है। ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, जो फोन बेंड टेस्ट में टूट जाता है और अखरोट फोन से टूट जाता है। तो एक्चुअली इसकी कहानी क्या है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ यह था कि अभी एक सैमसंग का फोन आया है, जैसे कि M20 और M10 सैमसंग का एक मतलब फोन है। तो इसके लॉन्चिंग डेट पे गुरुजी को इसके स्टेट पे बुलाया गया था, सैमसंग ने गुरुजी को इनवाइट किया था, टिंकल गुरुजी को इनवाइट किया था अपने M10 और M20 के लॉन्चिंग पे। तो गुरुजी ने M10 और M20 के लॉन्चिंग पे मतलब स्टेट पे जाकर इन दोनों फोनों के बारे में बहुत बड़ाई कर दिया, इतना बड़ाई कर दिया क्या लगाया जाए, जो कि मुझे जिस प्राइस में है उस M20 तो अच्छा लगा, लेकिन जो M10 है उसकी मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं लगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी है और प्रोसेस है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मतलब बहुत बड़ाई कर दिए थे। जैसे कि मनु कुमार जैन जो कि मतलब शायद Xiaomi Redmi का एथी है, वो इंडिया के एथी है, क्या बोलते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया कि गुरुजी आप मतलब झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने एक चाइना से Redmi Note 7 मंगाया और गुस्से में कहे या जो भी मैं कहे उसे बेंड टेस्ट में मतलब वो टूट गया। तो इसी पर लेकर अभी ये बवाल मची हुई है। तो मेरा ओपिनियन है कि गुरुजी तो सही है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।